हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आप सभी को व्हाट्सएप की बिग अपडेट को। दोस्तों, व्हाट्सएप ने बड़ा अपडेट लेकर आया हुआ है। यहां पर देखिए, यहां पर मैं आप सभी को दिखा देता हूं। यहां पर देखिए, व्हाट्सएप एंड्रॉयड ऐप अब होगा आपके फिंगरप्रिंट से अनलॉक। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप ने अपने ऐप को अपडेट करते हुए फिंगरप्रिंट जो फीचर लेकर आया है, ये काफ़ी अच्छा फीचर है। यह अब बड़ी अपडेट है। देखिए, यहाँ पर खबर पढ़ लीजिए आप सभी लोग। व्हाट्सएप फिंगरप्रिंट लॉक फीचर। फेसबुक के इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने अपने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए फिंगरप्रिंट लॉक फीचर को लॉन्च कर दिया है। जाने फीचर को इनेबल करने का तरीका। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा है व्हाट्सएप फिंगरप्रिंट लॉक फीचर। फेसबुक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप ने अपने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए, दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये आईफोन के लिए सबसे पहले था, लेकिन अब ये एंड्रॉयड के लिए भी लॉन्च कर दिया गया है। इस नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए सब कुछ दिया हुआ है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आईफोन यूजर्स के लिए जिसे टच आईडी फीचर इनेबल है, उसी तरह व्हाट्सएप एंड्रॉयड यूजर भी ऐप को फिंगरप्रिंट से लॉक या अनलॉक कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सब कुछ खबर दी हुई है। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप शायद सीधे लिंक से क्लिक करके पढ़ सकते हैं। देखिए, व्हाट्सएप फिंगरप्रिंट लॉक को कैसे इनेबल करना है। व्हाट्सएप फिंगरप्रिंट लॉक को इनेबल करने के लिए एंड्रॉयड यूजर को सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग के बाद अकाउंट में, अकाउंट के बाद प्राइवेसी में जाना होगा। प्राइवेसी में फिंगरप्रिंट लॉक में जाना होगा और फिंगरप्रिंट लॉक ऑप्शन में को इनेबल करने के बाद यूजर को अपना फिंगरप्रिंट कन्फर्म करना होगा। दुनिया भर में एंड्रॉयड यूजर्स के लिए फीचर जल्द रोल आउट किया जा सकता है। दोस्तों, जल्द ही आने वाला है, आप अपने ऐप को अपडेट करके इसका इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी बहुत बड़ी खबर व्हाट्सएप की, व्हाट्सएप अपडेट की, जो कि बहुत बढ़िया फीचर लेके आया हुआ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी लगातार न्यूज़ पाते रहने के लिए, ऐसी अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।